और एक चौथे वीडियो में तो भीड़ इतनी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है कि एक कार पर अपना गुस्सा उतारती हुई नजर आई। वो लकड़ी की बल्लियों से कार के शीशे तोड़ रही थी और आखिरकार लोगों ने कार को पलट ही दिया। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से जो वहां पर लोग मौजूद हैं उन्होंने कार को निशाना बनाया। पहले कार पर पत्थरबाजी की और उसके बाद जो लकड़ी की बल्लियां हैं उनसे कार को मार मार के कार के परखच्चे उड़ा दिए और कार को पलट दिया। लोगों ने कार को पलट दिया। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए एक पुरुलिया पश्चिम बंगाल से, जहां पर गाड़ी पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, गाड़ी को लकड़ी की बल्लियों से मारा जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर देख लीजिए कि उन्हीं बल्लियों से इस साधु को बेरहमी से पीटा गया और पीटा गया इस शक में कि उसने बच्चा चोरी की है। पश्चिम बंगाल में साधुओं पर इस हमले ने राज्य की सियासत गरमा दी है। बीजेपी ने इस हमले को बड़ा मुद्दा बना दिया है। वो आरोप लगा रही है कि बंगाल के पुरुलिया में साधुओं से मारपीट के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। महाराष्ट्र के पालघर वाली घटना को दोहराने की साजिश रची गई है। यह अप्रैल 2020 की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी अब ये कह रही है कि जो अप्रैल 2020 में हुआ वही जनवरी 2024 में हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद अब पुरुलिया में साधुओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। ऐसे में अब बीजेपी कह रही है कि साधुओं को एक बार फिर से परेशान करने की कोशिश हो रही है। ममता मजार पर जाती है ये बीजेपी कह रही है, लेकिन साधुओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है ममता सरकार। अनुराग ठाकुर ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। तो आपको बताएं ये जो साजिश करार दिया जा रहा है और अब ऐसे में पौने चार साल पहले अप्रैल 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने दो साधुओं और उनके कार ड्राइवर को इतनी बुरी तरीके से पीटा था कि उनकी मौत हो गई थी। लोगों को इस बात का शक था कि साधु बच्चा चोर है, क्योंकि उस वक्त उनके गांव में यह अफवाह फैली हुई थी कि वहां बच्चों को अगवा करने के लिए बदमाश घूम रहे हैं। आरोप है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी साधुओं को पीटने के पीछे उन्हें जान से मारने की कोशिश थी। बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि साधुओं को पीटने वाले टीएमसी के लोग थे जिन्होंने मकर संक्रांति मनाने जा रहे साधुओं को निशाना बनाया। यानी कि बीजेपी आरोप इस बात का लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हिंदुओं को इतने अहम पर्व पर जानबूझकर साधुओं को पीटा गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल सरकार पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने बंगाल सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर आपको बता रहे हैं। दरअसल अनुराग ठाकुर जो साधुओं की पिटाई हुई है उस पर कह रहे हैं कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, कानून व्यवस्था नहीं है बंगाल में। और बीजेपी इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस पर हमलावर है। आपको बताएं कि जब ये घटना हुई उसके बाद से लेकर के अभी तक तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और अब बीजेपी के नेता एक के बाद एक ट्वीट के माध्यम से, अपने बयानों के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टिकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी ना मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया, इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहे। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया